क्लास टेंथ के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहां पर आप देख पा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इस पाठ के अति लघुतरी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने कल ही आप सभी को इसी पाठ के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इस पाठ के, जो 2023 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और जैसा कि मैं आपको चैप्टर वाइज, जी हाँ, मैं आपको चैप्टर वाइज सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपसे एक निवेदन है कि आप अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें चैनल के साथ जुड़कर, और साथ ही साथ आपको वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने सभी प्यारे मित्रों में। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आज के इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर के अति लघुतरी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहां पर पहला प्रश्न कह रहा है क्या, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेते हैं तो यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर पहला प्रश्न कह रहा है, यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना हो। यहां पर आप पा रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा, यूरोप में 1919 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक की 20 वर्षीय अवधि विकास और परिवर्तन का काल थी, और इस काल में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। यूरोप में सन 1919 ईस्वी से कब तक, 1945 ईस्वी तक की जो 20 वर्षीय अवधि थी, यानी 20 वर्ष की जो समय सीमा थी, और इस समय सीमा में अधिकतर विकास और परिवर्तन हुए, यानी यह जो समय सीमा थी यह विकास और परिवर्तन की समय सीमा थी, यानी विकास और परिवर्तन का काल था, और इस काल में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को क्या कहा गया, यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्नों को सम्मिलित किया है सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर जरूर लिख लें और चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको यहां पर सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय, चित्रकला विषय, गृह विज्ञान आदि विषयों की तैयारी कराई जा रही है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यदि आप इन सभी विषयों में 70 में से 70 अंक लाना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ बने रहें। और यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में हुआ प्रमुख बदलाव क्या था। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में हुआ प्रमुख बदलाव क्या था। उत्तर क्या हो जाएगा कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में हुआ बदलाव निरंकुश राजतंत्र का विरोध तथा गणतंत्र के प्रति बढ़ता लगाव था। तो यूरोप में जो फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में जो बदलाव हुआ उससे क्या हुआ कि निरंकुश राजतंत्र का विरोध और गणतंत्र के प्रति
बढ़ता लगाव देखने को मिला। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि फ्रांसीसी क्रांति की उस घटना का वर्णन कीजिए जिसने यूरोप के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित किया। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति में उभरे नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ने यूरोप के अन्य भागों में रहने वालों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। फ्रांसीसी क्रांति की उस घटना का वर्णन कीजिए जिसने यूरोप के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित किया। तो उत्तर क्या हो गया है इस प्रश्न का कि फ्रांसीसी क्रांति में उभरे नारे, यानी फ्रांसीसी क्रांति में जो नारे लगाए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ने यूरोप के अन्य भागों में रहने वालों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न कह रहा है कि 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था। 1861 में जब इटली का एकीकरण किया गया तब इटली का राजा किसे घोषित किया गया। उत्तर क्या हो जाएगा कि 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1861 में किसे इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का क्या घोषित किया गया, राजा बना दिया गया। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और साथ ही चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी नोट्स भी बनाते रहिएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। उत्तर क्या हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य फ्रांस से राजतंत्र समाप्त करके वहां लोकतंत्र की स्थापना करना था। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अपने देश फ्रांस से राजतंत्र का जो शासन था यानी राजतंत्र को समाप्त करके और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करना था, यानी राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना करना था। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि रूपक से क्या अभिप्राय है, इसका एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि रूपक से क्या अभिप्राय है, इसका एक उदाहरण दीजिए। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी अमूर्त विचार, विचार जो होते हैं अमूर्त होते हैं, आपके मन में जो विचार है उसे कोई नहीं देख सकता और जिसे कोई नहीं देख सकता वो क्या होता है, अमूर्त होता है, और जिसे देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, तो अमूर्त और मूर्त क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो जो आपके मन में, हृदय में, मन मस्तिष्क में विचार हैं उसे कोई अन्य व्यक्ति नहीं देख सकता, क्योंकि विचार जो होते हैं अमूर्त होते हैं। तो यहां पर उत्तर क्या हो गया कि किसी अमूर्त विचार, स्वतंत्रता तथा मुक्ति की भावना, और स्वतंत्रता और मुक्ति की जो भावनाएं होती हैं ये भी हमारे मन मस्तिष्क में होती हैं, इन्हें भी कोई नहीं देख सकता, को किसी व्यक्ति के माध्यम से अपनी भावना को, स्वतंत्रता की भावना को, मुक्ति की भावना को किसी व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। किसी अमूर्त विचार को, स्वतंत्रता तथा मुक्ति की भावना को किसी व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त करना रूपक कहलाता है। भारत माता रूपक का एक उदाहरण है। भारत माता रूपक का क्या है, एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और प्रश्न कह रहा है क्या कि 1832 की उस संधि का नाम लिखिए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 1832 की उस संधि का नाम लिखिए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। उत्तर हो जाएगा कि 1832 में संपन्न हुई
कुस्तुन तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। 1832 में कौन सी संधि हुई थी? कुस्तुन तुनिया की संधि हुई जिससे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, और प्रश्न कह रहा है क्या कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था? उत्तर क्या हो जाएगा कि जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का क्या? सम्राट घोषित किया गया था। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है क्या कि 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1815 के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर कि 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य गुलामी से मुक्ति पाकर स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना करना था। 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि गुलामी से मुक्ति पाकर स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना करना। इसके बाद अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तीन नेताओं के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तीन नेताओं के नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तीन नेताओं में कौन कौन से नेता थे? तो राइट आंसर क्या है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहां हुआ था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर क्या हो जाएगा कि वियना कांग्रेस सम्मेलन वियना में 1815 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। तो ये सभी प्रश्न आपको नोट कर लेना है अपनी नोट्स पर, जो कि 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। अगला प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, और प्रश्न कह रहा है क्या कि बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क कौन था और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? बिस्मार्क की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था। ऑटो वान बिस्मार्क कहां का? प्रसा का चांसलर था। जर्मनी का एकीकरण उसका सबसे बड़ा योगदान था। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। और अगला जो प्रश्न है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, प्रश्न कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन था? उसका मुख्य योगदान क्या था? उत्तर क्या हो जाएगा कि मार्टिन लूथर जर्मनी का एक समाज सुधारक था। मार्टिन लूथर कौन था? जर्मनी देश का एक समाज सुधारक था और उसका मुख्य योगदान प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना करना था। यदि प्रश्न आ जाता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना किसने की थी, उत्तर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर ने। अगला प्रश्न है जो कि 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न कह रहा है क्या
कि फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। तो फ्रांस की क्रांति का जो पहला परिणाम है ऑस्ट्रिया का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति के फल स्वरूप ऑस्ट्रिया का एकीकरण हो गया। दूसरा, फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर समाजवाद की स्थापना हुई, और फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर किसकी स्थापना हुई, समाजवाद की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और प्रश्न कह रहा है क्या कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं दो दार्शनिकों के नाम लिखिए। तो पहले हैं वाल्टियर और दूसरे हैं रूसो। ये दोनों दार्शनिक फ्रांस की क्रांति से संबंधित थे। और अगला जो प्रश्न है यह तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है क्या कि निरंकुशवाद से क्या आशय है। तो ऐसी शासनिक सत्ता जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है उसे निरंकुशवाद कहा जाता है। ऐसी शासनिक सत्ता जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कोई भी रोक टोक नहीं होती, और उसे क्या कहते हैं, निरंकुशवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है जनमत संग्रह को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रत्यक्ष मतदान की वह विधि जिसके द्वारा लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है क्या कहलाता है, जनमत संग्राह कहलाती है। और अगला जो प्रश्न है आज के इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यातना शिविरों का क्या अर्थ है। उत्तर क्या हो जाएगा कि यातना शिविरों से उन शिविरों यानी जेलों से है, अर्थात यातना शिविर उन्हें कहा जाता है जहां बिना कानूनी प्रक्रिया किए लोगों को कैद में रखा जाता है तथा उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, और इस चैप्टर के जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उन सभी को बताया है। आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और आप इन सभी प्रश्नों का आंसर जरूर नोट कर लें अपनी नोट्स पर, और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।